आज हम थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे आगे लेवल 3 में यूज होंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा जो हमारा सिंपल हम विश बॉक्स बनाते हैं वो पहले सीखेंगे, पहले सिंबल्स सीखेंगे उसके, या हम ऐसे करते हैं पहले विश बॉक्स सीखते हैं फिर हम सिंबल सीखते हैं, क्योंकि तो नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विश बॉक्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने अभी आपने वो बॉक्स देखा होगा वहां पे, विश बॉक्स देख लीजिए एक बार आप, विश बॉक्स कहते हैं। ये देखिए ये हमारा विश बॉक्स है, आप अगर अमेज़न पे ढूंढेंगे तो आपको इस तरीके का विश बॉक्स मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अ विश बॉक्स। ये हमारा विश बॉक्स है, इसको हम कैसे बनाते हैं आप पहले ये देख लीजिए। विश बॉक्स, ये हमारा विश बॉक्स ठीक है, ये हमारा विश बॉक्स होता है। इसको हमने कोई भी अपनी एक विश को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम उसको इसके अंदर बना के रखते हैं। अभी कैसे बनाएंगे वो इसमें सारा मैंने बताया है, पहले आप इसको देखिए फिर उसके बाद आप मेरे से उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को पूछिए। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ विश बॉक्स। ये हमारा विश बॉक्स है, इसको हम कैसे बनाते हैं आप पहले ये देख लीजिए। विश बॉक्स ना, ये हमारा विश बॉक्स है, ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है, कहीं से भी आप ऑनलाइन अमेज़न से आप इसको ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम इसको खोला, अंदर से ये रेड है। अगर आप इसको घर में भी बना सकते हैं, जो हमारा सुनार के पास हमारे को मिलते हैं ऐसे डब्बे बॉक्सेस आते हैं ज्वेलरी के, उसको आप ऐसे वायर इस तरीके से आप उस पे वेलवेट का पेपर लगा के भी आप इसको तैयार कर सकते हैं घर में ही। ये हमारा विश बॉक्स है, बस उसमें ये होगा कि ये इस तरह की ट्रायंगल शेप नहीं बनेगी, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप हम इसलिए बनाते हैं विश बॉक्स में क्योंकि जो एनर्जी होती है वो यहाँ से आती है, ये एनर्जी का केंद्र होता है। सबसे पहले ये एक प्लेट होती है, जैसे ये प्लेट इसमें एक्चुअली बड़ी है, तो आप इसको व्हाइट कलर के पेपर पे रेड पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। डाइकोमियो हॉनशा जैसोनेन और आपकी चौकोरा और आपका सहेगी, इस तरीके से आप इसको बीच में रखेंगे। अभी ये बड़ी है, इसमें पूरी नहीं आ रही है, बीच में रख के, और यहाँ पर आपको अपनी एक छोटी सी स्लिप बनानी है और उसमें अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो वो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ वाइट कलर के पेपर पे लिख कर यहाँ पे चिपका दें और उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगा दें। अपनी फ़ोटो लगाने के ऊपर से आप, ये आता है ना क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसको उसके ऊपर ऐसे लगा रख दें। अब जैसे ये बहुत बड़ा है, ये बड़ी प्लेट है, ऐसे छोटी प्लेट भी आती है, और ऐसा जैसे ये हमारा विश बॉक्स है, ये विश बॉक्स हमारा थोड़ा सा छोटा भी है, इससे थोड़ा बड़ा भी आता है, लेकिन अगर आपके पास इसी साइज़ का है तो आप यहाँ पे वाइट कलर के पेपर पे ये सारे सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज डाइकोमियो हॉनचाय जैसुने चौकोरे और ये है हमारा सहेकी, और इसी तरीके से आपको इस तरीके से ही ये बनाना है, और यहाँ पर आपको एक व्हाइट कलर का पेपर जैसे होगा ना उसी के ऊपर अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, सिर्फ एक मनोकामना, ओनली वन, जो भी एक मनोकामना है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगा के, और इस तरीके से आपने इसको क्लियर क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ में रोज़ क्वार्ट्ज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप की हीलिंग करनी है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ करिए, लेकिन क्लियर कॉट एक ऐसा स्टोन होता है जो हर हीलिंग में काम आता है, हर हीलिंग में।
लेकिन मैंने आपको बता दिए कि अगर आपको नॉर्मल कोई भी हीलिंग करनी है तो आप मतलब क्लियर कॉर्ड तो हर हीलिंग में यूज़ होता है, उसके अलावा आपको अगर मनी से रिलेटेड कोई हीलिंग करनी है तो आप उसके लिए एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो, और रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करनी है तो आप उसमें रोज़ क्वाइड यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इस तरीके से वो लगा दिया और आप इसको हीलिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर आप और भी इसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इस तरीके के क्लियर क्वार्ट्ज के पेंसिल्स आपको अमेज़न से मिल जाएंगी, या जहाँ भी इनका होलसेल का काम होता है वहाँ से इसको ले सकते हैं आप। और इस तरीके से ये टेप के साथ, क्योंकि ये ऐसे आप रखेंगे तो ये हिलना नहीं चाहिए, आपने जैसे इसको उसके ऊपर लगाया तो यहाँ से आपने इसके ऊपर टेप से इसको पूरा अच्छे से जोड़ देना है, यहाँ भी पूरा टेप से इसको लगा देना कि ये गिरना नहीं चाहिए, हिलना भी नहीं चाहिए, गिरना तो वो गिरेंगे तो टूट ही जाएगा खैर, लेकिन ये हिलना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से आपने लगाए, और पावरफुल आप इसको करना चाहें एट स्टोन्स हमने लगा दिए ना, अगर हम इसमें ये नहीं भी लगाते ना पेंसिल्स तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप और पावरफुल करने के लिए हमने इसमें क्रिस्टल्स को यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपका ये विश बॉक्स बन गया, और आपने इसको खोलना भी नहीं है, इस तरीके से आपने इसको रखना है, और डेली आपको इसको हॉन्चा जैसे उनसे कनेक्ट होकर डेली आपको इसको हीलिंग देनी है अपने, और जो भी आपने जो भी सोचा है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें पूरी हो, उसको आपको बोलना है। कम से कम 5 मिनट आपको इसकी हीलिंग करनी है, और इसको एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसको कोई टच ना करे, इसको बार बार ऐसे टच नहीं करना। हालांकि अगर आपके घर में कोई ऐसे स्पेस नहीं है तो आप इसको अपने अलमीरा में रख सकते हैं, और जब ये आपका टेप से चिपका हुआ होगा ना इस तरीके से, टेप से जैसे आपका ये चिपका हुआ होगा तो ये क्या होगा ना कि ये हिलेगा डुलेगा नहीं, तो आप इसको जैसे ऐसे ही आपने उसको अलमीरा में रख दिया आपने, और इसको बंद करके रख दिया, और जब आपको हीलिंग करनी है तो अलमीरा में से ऐसे उठाया आपने और इसको खोल के आप उसको हीलिंग दे सकते हैं। आप इसको खोले ना भी, आप इसको बंद बंद में भी हीलिंग दे सकते हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट, जितने आपकी वाइब्रेशन अंदर से आपको बोलती हैं। कई बार हमारे को 5 मिनट भी लगते हैं, लेकिन कई बार हमको 10 मिनट भी लगते हैं, और कई बार हमको आधा घंटा भी लग जाता है, ये हमारी वाइब्रेशन के ऊपर होता है। आप इसकी हीलिंग करें 21 दिन, कम से कम 40 डेज मैक्सिमम, उसके बाद आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और अगर तब भी मैनिफेस्ट आपको लगता है कि नहीं हुई है जैसा कि आप चाहते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ है, तो आप उसको फिर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कॉन्टिन्यूशन में रखें। ओके, थैंक यू। चलिए, आप लोगों को समझ में आया विश बॉक्स को हमें कैसे बनाना है? समझ में आया आप लोगों को विश बॉक्स को कैसे बनाना है? यस आगे हम एक क्वेश्चन सर, मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? ठीक क्लियर है, है मुझे आपका वॉइस क्वेश्चन। क्लियर नहीं हो रहा। दीपक जी, आप कुछ बोल रहे थे, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई। आपने बोला क्लियर हो गया है, उसके बाद आपने कुछ और बोला था। मैडम ये आपने जो लास्ट में कहा कि अगर विश पूरा नहीं होता उसको वीक में 1 या 2 बार करना है, ये बात समझ में नहीं। हाँ देखो, आपने विश बॉक्स बनाया, आपने उसमें अपना जो भी विश लिखा, आप एक आपकी जो भी एक गोल है, कोई भी एक विश को आपने उसमें लिखा, और आपने उसको 21 डेज तक उसको बोला। 21 डेज के बाद आपने अपने सभी स्टोन्स को वापस से बाहर निकालना है और उनको चार्ज करना है। उनको चार्ज करने के बाद आपको वापस से नए तरीके से वही विश को दोबारा से लिखकर आपने दोबारा से उसको करना है, और फिर आगे 21 डेज करना है, यानी कि आपके टोटल 42 डेज हो गए। अगर आपके 42 डेज, 40 दिन तो नहीं होंगे ना, लगातार 42 डेज हो जाएंगे, 21 + 21। 42 डेज में भी अगर आपका विश कंप्लीट नहीं होता है, कई बार हमारी बहुत बड़ी कोई ऐसी बात होती है और वो अभी तक नहीं हुई है, तो फिर आपने 21 डेज के गैप में उसको फिर से आपको उसको निकालना है, फिर से आपको वो सारे स्टोन्स को चार्ज करना है, और फिर आपको दोबारा से
उसको हील करना, दोबारा से अपने पूरे गोल्स उसमें लिखने और फिर उसको करना, ठीक है। जैसे हाँ, 21 डेज 21 डेज का आपने लगातार किया, फिर 21 डेज आपने लगातार किया, उसके बाद आप चाहो तो उसको 21 डेज लगातार भी कर सकते हो, और नहीं तो आप उसको हफ्ते में एक दिन या 2 दिन कर सकते हो। बाकी आप उसको ऐसी जगह पे रखो जहां पर आप उसको धूप बत्ती ये वो सब दिखा सकते हो। अगर आप उसको हीलिंग नहीं भी दे रहे हो 42 डेज के बाद या 43 डेज के बाद, अगर आप उसको हीलिंग नहीं भी दे रहे हो तो आप उसमें धूप बत्ती वगैरह उसको लगाते हैं और अपना प्रार्थना उसके साथ करते हो। हंडल की ओर पूरा हो जाए, हंडल हाँ जी, की ओर पूरा हो जाए। हाँ, जब तक कि वो पूरा नहीं होता तब तक आप अपनी प्रार्थना को उस पे करते रहो। दूसरा विश तब तक नहीं कर सकते जब तक पहला कंप्लीट ना हो जाए, यानी चाहे 60 दिन लगे चाहे 90 दिन। मुझे अगर किसी और को उनकी आवाज आ रही है ना तो प्लीज आप मेरे को बता दो, क्योंकि तो मुझे उनकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। मैम वो कह रहे हैं कि जब तक करते रहे जब तक कि विश ना पूरी हो जाए, डॉक्टर हाँ, जब तक स्मिथ है आप मिस। उसको करते रहे जब तक कि आपकी वो विश पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। और उससे भी अच्छी बात है कि आप एक टाइम अपना निश्चित कर लीजिए कि आपको उसी टाइम पे बैठ के करनी है, अगर आप वो कर सकते हैं तो। अगर वो करते हैं तो कहते हैं ना कि एक ही जगह पे बैठ के जब आप अपना वो काम करते हैं तो आपको उस जगह पर एक पावर आ जाती है, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी विश को पूरा करने की, आप एक जगह पे बैठ के अपनी उस विश को पूरा करें, ठीक है। और इन केस आपको कहीं जाना पड़ जाता है, इस बीच में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आप वहां पे तो ये लेके नहीं जा सकते, तो आपने इसका फोटो ले लेना है, इसको खोल के इसका फोटो ले लेना है, और जहां पर भी आप जाएंगे वहीं से आप उसको हीलिंग, हौंचा जैसुरन के साथ कनेक्ट होकर उसको हीलिंग देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको? जी।